आप देख रहे हैं एमपीसीजी एक्सप्रेस न्यूज। अगर आप हमारी खबरें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक करें। पक्सुहा में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पधारे नर्मदा संरक्षण एवं संवर्धन संत दादा गुरु ने किया इमली घाट का दौरा। ग्रामीणों ने किया विरोध। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर इमली घाट पधारे संत का ग्रामीणों ने किया विरोध। उन्होंने कहा बाहरी लोगों का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। बता दें कि बक्सुहा क्षेत्र से लगे इमली घाट जंगल में 3.42 करोड़ कैरेट के हीरे का अनुमान है, जिसके लिए वहां के पेड़ों को काटा जाना है, जिसके विरोध में जबलपुर से पधारे नर्मदा संरक्षण एवं संवर्धन संत दादा गुरु ने इमली घाट का दौरा किया था, जहां उन्होंने चिपको आंदोलन का संक्षिप्त उदाहरण भी पेश किया। विरोध करने वाले ग्रामीणों ने कहा कि कंपनी आए और हम सभी 15 गांव के लोगों को रोजगार मिले ताकि क्षेत्र का विकास हो सके। ग्रामीणों ने ये कहा कि हमारी कुछ शर्तें हैं। हमने सुना था कि पर्यावरण दिवस के अवसर पर यहाँ पे कुछ बाहरी तत्व आके और इस खदान का विरोध करने वाले हैं, तो उन बाहरी तत्वों का जो लोग इस क्षेत्र के विकास और यहाँ की गरीब जनता की रोजी रोटी छीन लेना चाहते हैं, मैं उनका विरोध करने 15 गांव के लोगों के साथ यहाँ पे आया था। विकास में क्या क्या मुद्दे रहेंगे आपके? विकास में देखिए ऐसा है कि आपको पता है कि 70 वर्षों हो गए यहाँ पे आज़ादी को, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। अभी आपने रोड देखा किस तरह का, वहाँ के जो ग्रामवासी हैं वो किस तरह जीवन यापन करते होंगे आप देख रहे हैं, विकास की क्या स्थिति है। बाकी कंपनी से हमारी मांगें ये रहेंगी सबसे पहले कि चूंकि 15 गांव जो मैं पहले भी नाम ले चुका हूँ और लोकल बक्सुहा, इनके जो लोग हैं वो इस खदान से कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से प्रभावित होंगे, तो सबसे पहले जो रोज़गार की स्थिति है वो सबसे पहले 100% यहाँ के लोगों को रोज़गार दिया जाए जो बचता है, उसके बाद। और ये पदों का यहाँ पे भ्रम घूम रहा है कि 400 पद हैं, जहाँ तक मुझे जानकारी 1200 लोग तो कम से कम लगना है। और तो 15 गांव होने के बाद बक्सुहा, बक्सुहा के बाद पूरा ब्लॉक और ज़िले के लोग भी यहाँ पे आ सकते हैं, उनका स्वागत है, लेकिन पहली प्राथमिकता हमारे 15 गांव और बक्सुहा। बना है कि विकास के नाम पर, व्यवस्था के नाम पर, सुविधा के नाम पर प्रकृति का, वन अभयारण्यों का, नदियों का जो अंधाधुंध दोहन हो रहा है, और ये गाँव और भक्त प्रेमी वहाँ के बोल रहे हैं कि गांव का व्यक्ति बोल रहा है कि कंपनी आएगी तो रोज़गार मिलेगा, गांव का व्यक्ति बोल रहा है कि कंपनी आएगी तो सुविधाएं होंगी, शिक्षा, हमारे बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य की और रोज़गार के साधन कंपनी देगी। मुझे लगता है कि जंगल ने जीवन भी दिया है और जंगल ने आजीविका भी दिया है। यदि हम आपके माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि अमूल्य धरोहर है, अमूल्य संपदा है, यदि बात गांव के शिक्षा की है, स्वास्थ्य की है, बात रोजगार की है, और मान लो एक गांव मुखिया, मान लो सगोरिया आता है,
तो हम आपको वचन देते, सगोरिया के पूरे बच्चों को हम गोद लेने के लिए तैयार हैं। सगोरिया के जो भी बच्चे पात्र हैं, योग्य हैं, जो शिक्षा है, और रहा सवाल की यदि शिक्षा की बात आ रही है और यदि आज़ादी के बाद भी वहाँ पर स्कूल नहीं खुले हैं, यदि वहाँ पर स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है, तो हमारा वचन है उन गांव जो प्रभावित हो रहे हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा जो है उसको मुहैया कराने का, और स्कूल और हॉस्पिटल बनाने के लिए भी, और वो रोज़गार जो पात्रता के हिसाब से होगा उनको वहाँ पर उन बच्चों को रोज़गार के साधन भी हम उपलब्ध कराएंगे। हम सगोरिया को गोद लेने का है कि जितना भी है कि शिक्षा की बात आ जाए, स्वास्थ्य की, और हम सिर्फ बात नहीं, हम वहाँ रह के जो है हम शिक्षा स्वास्थ्य की व्यवस्था हम खुद करेंगे। लेकिन इस अमूल्य संपदा को, जिस जंगल ने हमारी पीढ़ियों को पाला है, जिस जंगल से हमारा जीवन है, उस जीवन को, उस अस्तित्व को जो है चंद कंपनी से जुड़े हुए और पूंजीपतियों से जुड़े हुए लोग गांव को भ्रमित ना करें, कंपनियों के प्रलोभन में गांव ना आए। कारण कंपनी से और पूंजीपतियों से यदि विकास होता तो फिर ये देश और प्रदेश जो है वो पूंजीपतियों के हवाले कर दिया जाए। लोग यहाँ उत्पाद कर रहे हैं, कुछ कांग्रेस के मित्र यहाँ उत्पाद कर रहे हैं जो ये बड़ी परियोजना लाना नहीं चाहते। मैं उनको निवेदन करना चाहता हूँ, बाहर के लोगों को, चाहे वो किसी भी दल के लोग हों, हमारे क्षेत्र में इस प्रकार की वैमनस्यता या इस प्रकार का रोज़गार के लिए यदि आप व्यवस्था करेंगे, इसके लिए बुंदेलखंड में जो है वो ताकत से जवाब दिया जाएगा। जैसा सम्मान हम करते हैं वैसा हम सम्मान बुंदेलखंडी में भी कर देंगे। जैसे कि कांग्रेस के टाइम पे इस प्रोजेक्ट को परमिशन मिली थी और उसके बाद कांग्रेस ही विरोध, कैसे देखते हैं? वो तो देखते हैं, वो कई जगह, अब अभी एक जगह आपने देखा कि एक सरकार ने वो वैक्सीन ही पूरे की पूरे अलग कर दिए, वैक्सीन ही लगा रहे हैं, बड़े नेता चुपके से लगवा लेते हैं, जनता को बरगला देते हैं। ऐसी कई प्रकार की आपने सबने देखा होगा आपके चैनलों के माध्यम से, किस प्रकार से ये नेता लोगों को बरगला के काम करते हैं, खुद जाके वैक्सीन लगवा लेते हैं, जनता को परेशान करते हैं कि आपको वैक्सीन ही लगवाना है। ऐसा ही खुद के सबके अपने अपने रोज़गार चल रहे हैं, यहाँ बहुत से बाबा बैरागियारा सबके अपने बिजनेस चल रहे हैं, यहाँ आके लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आज विश्व पर्यावरण दिवस है, वो अपने जहाँ भी, जिस भी आश्रम में रहते हों, जहाँ भी रहते हों, वो वहाँ पौधे लगाएं और लोगों को जागृत करें। यदि उनको बहुत पर्यावरण का शौक़ है तो हमारे पास आए, यहाँ आएँ, यहाँ बहुत सी हमारी जंगल की ज़मीनें खाली हैं, वहाँ पर वो पर्यावरण के लिए बहुत अच्छे पौधे लगाकर अच्छे पर्यावरण दिवस पर, और आज ये संकल्प लें कि इस पूरी जगह को जितनी वो चाहते हैं उससे ज़्यादा जगह हम यहाँ देने के लिए तैयार हैं। आएँ, यहाँ सेवा करें और वृक्ष लगाएं।